सभी सीआरपी क्लस्टर झनकट से उज्जवल कन्हैया महिला क्लस्टर बिगराबाग से, प्रगति महिला क्लस्टर खेतलसंडा से, जीवन ज्योति महिला क्लस्टर मंच के दाहिनी ओर 43 सीआरपी और स्वयं समूह की सभी बहनें, अब मैं ऐसा करता हूं कि मीन राशि से लेकर मेष राशि तक सभी उपस्थित हमारी बहनें और हमारे पत्रकार मित्र छायाकार बंधुओं, आप सभी का मैं अपनी ओर से बहुत स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। आप सब लोगों ने जितनी गर्म जोशी के साथ, जितने स्नेह के साथ मुझे अपना आशीर्वाद दिया है, मैं उसके लिए आप सबका आभारी हूं और दोनों हाथ जोड़कर आप सबको मैं नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। पिछले 4 जुलाई से मुख्य सेवक के रूप में काम करने का जो भी मुझे समय मिला है, मैंने कोशिश की है कि प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण एक एक क्षण मैं अपने उत्तराखंड के 1,25,00,000 भाई बहनों के लिए लगाऊं। लगातार हमने पिछले 5 महीने में 500 से भी अधिक फैसले लिए हैं। जैसा आदरणीय अभी स्वामी यतीश्वरानंद जी कह रहे थे, हमने केवल ये फैसले या घोषणाएं नहीं की हैं, जितने भी हमने फैसले किए या घोषणाएं की हैं उनको साथ में वित्तीय स्वीकृति और वित्तीय शासनादेश उनके साथ में जारी किए हैं। सभी घोषणाओं के हम शासनादेश जारी कर रहे हैं, क्योंकि घोषणा करने से पहले हम लगातार उसकी समीक्षा करते हैं, उसके बारे में जानकारी करते हैं। क्योंकि मैं मुख्यमंत्री के साथ साथ वित्त मंत्री का भी प्रभार मेरे पास है, तो वित्त मंत्री होने के नाते जितना भी फाइनेंस से जुड़ा हुआ मामला है या किसी भी विभाग की कोई घोषणा करनी हो, कोई कार्यक्रम चलाना हो, तो हम पहले ये देख लेते हैं कि घोषणा करनी है, हमने सोचना है कि कहीं पर हमने कुछ देना है, आप सबके बीच में आना है, तो उससे पहले हम सारी जांच पड़ताल कर लेते हैं। और जांच पड़ताल करने के बाद जब हमारी जेब में पैसा होता है, यानी कि सरकार की तिजोरी में जब पैसा होगा, वित्त की व्यवस्था होगी, तभी हम उसकी घोषणा करते हैं और घोषणा करने के साथ साथ आगे हम उसके शासनादेश भी निकाल देते हैं। जैसे आपने पिछले दिनों देखा होगा, हमने जो स्वयं सहायता समूह है, हमारे ग्राम संगठन है, हमारे क्लस्टर है, स्वयंसेवी क्षेत्रों में काम करने वाले संगठन है, उन संगठनों की बहनों के लिए हमने 119 करोड़ रुपए का एक पैकेज घोषित किया था कि हम सहायता का एक पैकेज देंगे। और जब हमने आपके पैकेज की घोषणा की तो कुछ लोगों ने हमारे ऊपर उंगली उठाना शुरू किया कि ये पुष्कर सिंह धामी, ये मुख्यमंत्री ये घोषणा तो कर रहे हैं, लेकिन ये पैसे कहां से लाएंगे? ऐसी बातें कौन कर रहे थे? ऐसी बातें वो कर रहे थे जिन्होंने अपने समय में कोई काम नहीं किया और केवल घोषणाएं करते रहे, आगे का कुछ देखा नहीं कि ये घोषणाएं मैं कर रहा हूं तो ये घोषणाएं कैसे पूरी होंगी। हजारों की संख्या में घोषणा कर दी, कई हजार, और जब शासनादेश निकालने का समय आया तो शासनादेश सैकड़ों के भी नहीं निकले। मुझे खुशी है कि मैंने आप सब बहनों के लिए जो स्वयं सहायता समाज चलाती हैं, अभी ज्योति भट्ट जी यहां कल भी दिख रही थी, कहां है पीछे, वो आए थे वहां पर हमारे सरस मेले में, अच्छा पीछे, हाँ, तो इनके समूहों के लिए हमने घोषणा करी कि हम 6 महीने का प्रतिपूर्ति ब्याज जो है सरकार उसको भरेगी, उसके सारे इनके खातों में पैसे आ गए। हमने कहा 5 लाख रुपए तक का ऋण बिना ब्याज के देंगे, वो सारे के सारे खाते में आ गए। सहकारिता के संबंध में अभी आदरणीय दान सिंह रावत जी ने आपको बताया कि हमारी सरकार ने ये स्कीम चलाई और आप सभी के ऋण आपके सीधे खातों में आने शुरू हो गए। इसी प्रकार से जब हमने 119 करोड़ की घोषणा करी, वो भी डीबीटी के माध्यम से सीधे खातों में आए। हमने महिला मंगल दलों के लिए, हमने युवक मंगल दलों के लिए घोषणा करी,
वो सारे के सारे जो पैसे हैं डीबीटी के माध्यम से सबके खातों में आ गए हैं। हमने आंगनबाड़ी बहनों के लिए हमने उनसे वायदा किया था कि हम आपका मानदेय बढ़ाएंगे। बहुत दिनों तक उनका धरना चलता रहा, प्रदर्शन चलता रहा, आखिरकार हमने उनका मानदेय बढ़ा दिया 1500 से लेकर मिनी सहायिका सहायिका सबका हमने 1500 से लेकर 1800 तक उनका मानदेय बढ़ाया। अभी बीच में खटीमा क्षेत्र में मैं खटीमा क्षेत्र की जो आशा बहने मैं उन सभी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि अगस्त के महीने में जब मैं खटीमा आया था तो उनका आंदोलन चल रहा था सितंबर के महीने में, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये मांग आपकी कितनी पुरानी है, जब राइस मिल में आए थे जमोर में वो लोग, तो बोली ये मांग हमारी 14 साल पुरानी है। तो मैंने कहा मुझे बने हुए कितने दिन हुए हैं, अभी तो मुझे 2 महीने भी नहीं हुए, आप कैसे सोच रहे हो कि ये 14 साल पुरानी मांग आपकी पूरी हो जाएगी। लेकिन हमने कहा नहीं, मैं आपको 1 महीने का समय देता हूं और 1 महीने में हम आपके मानदेय को लेकर भी फैसला करेंगे, और 1 महीना नहीं 20 दिन के अंदर हमने आशा बहनों का भी मानदेय बढ़ाने का काम किया। इसी प्रकार से हमारे उपनल के कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमारा मानदेय बढ़ना चाहिए, हमने कहा निश्चित रूप से आपका मानदेय भी बढ़ाएंगे। उनका भी आंदोलन लंबे समय से चल रहा था, हमने उसमें भी तय किया कि जो कर्मचारी 10 साल से ज्यादा हो गए हैं उनका हम 3000 रुपए मानदेय बढ़ाएंगे, और जिनका 10 साल से कम हुआ है उनका हम 2000 रुपए का मानदेय बढ़ाएंगे। और केवल फैसला ही नहीं किया, इसका भी हमने शासनादेश निकाल दिया। आशा हो गई, आंगनबाड़ी हो गई, हमारे उपनल के कर्मचारी हो गए। इसके बाद जगह जगह मैं जाता था तो भोजन माताएं मिलती थी, कप्तान साहब भोजन माताएं कह रही थी अभी तक हमारी कोई नहीं सुन रहा, हमारी कोई नहीं सुन रहा। मैंने कहा जिसकी कोई नहीं सुन रहा है उसके उसकी सुनने के लिए ही पुष्कर सिंह धामी को लाया गया है, बीच का रास्ता निकालने के लिए लाया गया है, और हमने जो है उनके लिए भी बीच का रास्ता निकाला, हमारी जो भोजन माताएं हैं उनका भी मानदेय बढ़ा दिया। हमारे पीआरडी के जवान वो भी लंबे समय से मांग कर रहे थे कि हमारा भी मानदेय बढ़ाइए, हमारा भी मानदेय बढ़ाइए, हमने कहा आप निश्चित रूप से आपका भी बढ़ाएंगे। उनका भी हमने 2100 रुपए प्रति माह मानदेय बढ़ा दिया है, उसका भी शासनादेश निकाल दिया है। हमारे आंदोलनकारी भाई कह रहे थे, धंधा भी कह रहे थे कहां चले गए व्यवस्था में चले गए, तो ये भी किनकी पैरवी करने आए थे बीच में। मैंने कहा भाई मैं भी स्वयं आंदोलनकारी हूं, आप सबका साथी हूं, तो मैं मसूरी में गया तो वहां आंदोलनकारी लोग बोलने लगे कि आज हम काले झंडे दिखाएंगे मुख्यमंत्री को। सवेरे इंटेलिजेंस वालों का फोन आया कि साहब आप उस कार्यक्रम में मत जाइए क्योंकि वहां आपको काले झंडे दिखाने वाले हैं, आज बड़ा विरोध करने वाले हैं। मैंने कहा ये भाई कोई अलग है क्या हमसे, मैंने कहा मैं देखता हूं, मैं उनके काले झंडे देखने के लिए तैयार हूं और मैं काले झंडे देखने जरूर जाऊंगा, आज मैं उनसे बात करूंगा कि आखिर वो मुझे काले झंडे क्यों दिखाना चाहते हैं। 1 सितंबर को यहां होता है, 2 सितंबर को वहां। मैंने कहा अभी 2 महीने भी मुझे पूरे नहीं हुए, ये मेरा विरोध क्यों कर रहे हैं, मैं तो एक एक फैसला सोच समझ के ले रहा हूं, एक एक फैसला उत्तराखंड राज्य के हित में ले रहा हूं, एक एक फैसला हमारे माताओं बहनों के लिए, नौजवानों के लिए, यहां के रोजगार करने वालों के लिए, यहां के कर्मचारियों के लिए, यहां के गरीबों के लिए ले रहा हूं। मैंने कहा मैं मसूरी जाऊंगा, और जब मैं मसूरी पहुंचा तो वहां का नजारा ही कुछ और था, किसी ने काले झंडे नहीं दिखाए। बोले हम तो आपसे बात करने के लिए ऐसी बात कर रहे थे कि आपसे बात हो जाएगी, तो वहां मंच से बोले कि हमारा मानदेय इतना है, हमारा ये पेंशन बढ़ाइए, हमारी ये करिए। मैंने कहा मुझे पता है आपकी 3100 रुपए पेंशन मिलती है, मैंने कहा मुझे पता है 2 प्रकार की पेंशन मिलती है, 3100 रुपए की और 5100 रुपए की, हम दोनों की पेंशन बढ़ाएंगे, समय आने पर बढ़ाएंगे। इस बार 9 नवंबर को हमने घोषणा कर दी कि जिनकी 3100 मिलती थी उनकी हमने 4500 कर दी, जिनकी 5100 मिलती थी उनकी हमने 6000 कर दी।
पति और पत्नी, हमारे आंदोलन का आदरणीय शेर सिंह दिगारी जी भी मंच पर बैठे। हमने कहा आश्रितों के लिए जो पेंशन है आश्रितों के लिए भी कर दी, पति या पत्नी में से एक भी आंदोलनकारी होगा उनको भी अब पेंशन का लाभ मिलेगा, आश्रितों को भी लाभ मिलेगा। चिन्हीकरण की प्रक्रिया हमने 31 दिसंबर तक बढ़ा दी है, जरूरत पड़ेगी तो अभी और बढ़ाएंगे। निश्चित रूप से हम हर क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अभी ग्राम प्रधानों के लिए हमने ग्राम प्रधानों का पहले हमने मानदेय बढ़ाया, हमने उनका मानदेय 1,500 से 3,500 किया, क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का बढ़ाया, ब्लॉक प्रमुखों का, जिला पंचायत का, क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था में काम करने वाले जितने भी हमारे प्रतिनिधि हैं वो प्रतिनिधि सीधे सीधे जो सरकार और जनता के बीच में समन्वय का काम करते हैं, सेतु का काम करते हैं। अगर हमारी पंचायतें मजबूत होंगी, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का भी मानना है, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं हमारी पंचायतें मजबूत होनी चाहिए, सुदृढ़ होनी चाहिए। इसलिए जितना हमको समय मिला हमने कोशिश करी कि हर वर्ग को कुछ न कुछ दें, हर वर्ग के लिए कुछ न कोई योजना लेकर आए। लगातार हम काम कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमारे इस क्षेत्र में लंबे समय से मेडिकल के क्षेत्र में कोई सुविधा नहीं थी, बड़ी सुविधा नहीं थी। अब उन्होंने, मैंने उनसे अनुरोध किया कि एक एम्स की शाखा हमारे यहां पर कुमाऊं क्षेत्र